हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय किचन आज मैं बनाऊंगी मसाला पनीर मसाला पनीर बनाने के लिए कोई प्याज लहसुन अदरक कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे कभी कभी होते हैं ना घर में नहीं है आए, फिर भी बनाना पड़ता है तो उस टाइम पे इसके रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने हंड्रेड ग्राम्स दही लिया खट्टा दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दही और इसका साथ हम करी पाउडर मिलाएँगे फोर टेबल स्पून और टू टेबल स्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर मिलाया आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं और ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर मिक्स करके एक टेबल स्पून डाला डाल के इसको अच्छा से फैट लेना है क्योंकि जितना अच्छा से फैटेंगे आपका ग्रेवी उतना ही अच्छा बनेंगे तो इसके लिए ना इसको अच्छा से फैट के हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे भी क्योंकि इसको फूलना भी चाहिए तो इसलिए आप आधा घंटा रखेंगे तो और भी अच्छा है जल्दी में है तो मिनिमम फिफ्टीन सबको इसको छोड़ना है तो मैंने इसको साइड में रखती हूँ अभी हम लोग पनीर का काट लेंगे पनीर फ्रेश है तो आपका जो रेसिपी है और भी टेस्टी बनने वाला है और थोड़ा ज्यादा दिन का है फ्रीज में रख दिया ऐसा कुछ होंगे तो आप उसको थोड़ा सा वार्म वाटर से धो लीजिए इसका बाद अब देखिए ऐसा डायमंड शेप में मैंने काट लिया आपको जो शेप पसंद है उसी हिसाब से आप काट लीजिए काटने के बाद देखिए बोल में हम लोग को उसको ट्रांसफ़र करना है आ, क्योंकि हम लोग इसको मैरीनेट करना है पनीर को मैरिनेट करके बनाएंगे तो उसको टेस्ट और भी दोगुना हो जाती है तो मैरिनेट करने के लिए सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने डाला रेड चिली पाउडर डाला थोड़ा सा और इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होती है और इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ और उसमें बेसन एक टेबल स्पून डाला बाद में और एक टेबल स्पून डाला ऑल टुगेदर टू टु टेबल स्पून बेसन हम लोग डालेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ा खट्टा कुछ चाहिए तो हम लोग को लेमन को यूज़ करेंगे आधा लेमन यूज़ करेंगे आप चाहे तो पूरा लेमन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दो ही ऐसा खट्टा है इसलिए मैंने इसमें आधा यूज़ किया तो आपको जैसे मर्ज़ी है आप यूज़ कर सकते हैं अभी और टेबल स्पून जो बेसन रख दिया था उसको भी डाल दिया डाल के लेमन जूस डाल के इसको अच्छा से मिक्स करेंगे जैसे हर पीसेस में इसको कोट होना चाहिए मसाला को ये कोट होना चाहिए तब तो टेस्ट और भी अच्छा हो जाएंगे तो इसीलिए थोड़ा सा इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है मिक्स करके भी आप थोड़ी देर रख सकते हैं और आपका पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा जल्दी में है तो इस टाइप में ही आप इसको फ्राई कर सकती है तो मैंने एक पन, पैन को गर्म करने के लिए रख दिया और उसमें पनीर का पीसेस को ऐसा डाल दिया तो डाल के इसको टू टू थ्री मिनट्स इसको शॉर्टिंग करना है मीडियम फ्लेम में ज़्यादा ओवर कुक ना करना और हाई फ्लेम में ज़्यादा करें तो आपको जल्दी जल्दी इसको निकालना पड़ेगा और मीडियम फ्लेम में इसको थोड़ा सा इसको पकाना है और अभी इसके साथ मैं कैप्सिकम डालूंगी तो कैप्सिकम अभी काट लेते हैं आप कैप्सिकम का जगह आपके पास जो वेजिटेबल है जैसे आप मशरूम है और ब्रोकली है कॉलीफ्लावर है जो है आप इसका साथ डाल सकते हैं आप जो वेजिटेबल घर में अवेलेबल है और जो आप पसंद करते हैं इसका साथ ऐड कर सकते हैं लेकिन कैप्सिकम डालेंगे तो इसको ना टेस्ट बहुत ही अच्छा लगते हैं मुझे तो इसलिए मैंने कैप्सिकम सिप डाल रही हूँ तो इसको भी ऐसा पनीर का शेप में ही काटना अच्छा है ज़्यादा छोटा नहीं करना है तो ऐसा उसी हिसाब से मैंने काट लिया तो अभी देखिए हमारा जो पनीर इसको शॉर्टे करने के लिए रख दिया है कितना अच्छा से पक गई ऐसा इतना ही पकाना है ओवर कुक नहीं करना है तब तो पनीर हार्ड हो जाती है तब तो अब ज़्यादा हाई फ्लेम में करेंगे तो इसको जो मसाला है ना वो जलने का भी चांसेस है तो इसीलिए ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है मीडियम फ्लेम में करके हम लोग इसको कितना अच्छा कलर है ना ऐसा ही एक नाइस कलर आना चाहिए तब तो, तो को ग्रेवी का कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाएंगे अब देखिए इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया आप ऐसा ही खा सकते हैं चाय का साथ अभी हम लोग जो कैप्सिकम uh, को काट के रखा था उसको अच्छा से सॉटे कर लेंगे थोड़ी देर क्योंकि इसका कच्चापन हट जाना चाहिए लेकिन इसको सॉफ्ट नहीं करना है सिर्फ सॉटे करना है लेकिन क्रंचीनेस रहना चाहिए तो अभी हम लोग जो दही मसाला मिक्स करके रखा था Uh, 15 मिनट्स के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था उसको इसका साथ मिक्स कर दिया और फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसको पकाना है इस स्टेज में आप हाई फ्लेम करेंगे तो दो ही फाटने का चांसेस रहते हैं और आपको जल्दी है तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर uh, ऐड कर सकते हैं हाफ़ टी स्पून छोटा चम्मच का टी स्पून और इसके साथ मैंने सॉल्ट एंड शुगर और इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ शुगर ऐड करना है क्योंकि ही तो खट्टा है ना तो इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शुगर डालेंगे तो आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेंगे तो अभी मैंने इसके साथ जो पनीर सॉटे करके रखा था उसको भी डाल दिया ऐसा ग्रेवी का साथ अच्छा है तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो आ, पनीर का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है क्योंकि पनीर का एक्चुअल तो कोई टेस्ट नहीं है ब्लैंड होती है इसका टेस्ट तो इसीलिए इसको साथ थोड़ा सा पकाएंगे तो अच्छा रहता है मैंने एक कार्डमम ग्रीन कार्डमम को क्रैश करके इसके अंदर डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया लेकिन बाद में हम लोग और थोड़ा सा पानी डालेंगे तब इसका ग्रेवी बनेंगे नहीं तो ऐसा बहुत ही ठीक हो जाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका के फिर आधा कप पानी ऐड किया उस टाइम मिक्स कर गया और लास्ट में आप लोग एक टेबल स्पून घी डाल के इसको पका लीजिए तब तो हमारा इतना अच्छा ग्रेवी देखिए देखने में कितना एकदम परफेक्ट बन गई तो अभी सर्व करने का टाइम है बहुत जल्दी भी बन जाती है घर में जब भी कोई वेजिटेबल ना रहते हैं और घर में कोई गेस्ट भी आ जाए तो उसी टाइम ही इंस्टेंट इस टाइप का वेजिटेबल आप बना के रेडी कर सकते हैं इसको पराठा नान और फ्राइड राइस का साथ आराम से आप सर्व कर सकते हैं अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना इवन चपाती का साथ भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं तो आप देखिए कितना ग्रेवी देख के नहीं लग रहा है जैसे आप प्याज लहसुन और अदरक कुछ भी नहीं डाला तो इंजॉय कीजिए इस टाइप का रेसिपी बना के थैंक यू फॉर वॉचिंग फिर मिलेंगे नया कई रेसिपी का साथ टाटा